आ गया है रक्षाबंधन का त्योहार, रेशम की डोरी में बंधा भाई बहन का प्यार, काटने को जेब भैया की बहने हैं तैयार, तो लो जी आ गया रक्षाबंधन का त्योहार। हेलो दीदी। oh, no. और साथ ही आ गई है आज की ये रक्षाबंधन स्पेशल कहानी, जो कि है रोहित की, जो अपने घर से बहुत दूर जयपुर में रहता है, जहां है उसकी एक छोटी सी कपड़े की फैक्ट्री, जहां वो कपड़ों के बल्क ऑर्डर्स लेता है। जैसे किसी स्कूल के लिए यूनिफॉर्म सीना हो या किसी रिटेल शॉप के लिए ड्रेसेस बनाना। वैसे तो जी उसकी फैक्ट्री ना बड़ी ही, वो क्या कहते हैं उसे, मैंगो सी है, आम सी है, मगर जी एक बात बड़ी ही खास है उसकी फैक्ट्री की। उसकी फैक्ट्री में सिलाई का काम करते हैं 10 से 15 कारीगर, और वो सभी के सभी है ट्रांसजेंडर। वो क्या है ना कि रोहित को काम की तलाश करती हुई राधा मिल गई। रोहित ने उसे काम पे रख लिया, उसे ट्रेनिंग दी, अच्छे से काम सिखाया, और फिर धीरे धीरे राधा ने औरों को भी बुलाकर काम करना सिखा दिया। तो यूं तो अच्छा खासा बिजनेस था रोहित का। उसके पास हमेशा रहते थे बड़े बड़े ऑर्डर्स, मगर पिछले कुछ महीनों से धंधा जरा मंदा था, क्योंकि स्कूल सारे खुल चुके थे और इतनी बारिश में लोग शादी तो कर नहीं रहे, इसलिए कोई बड़ा ऑर्डर मिल नहीं रहा था रोहित को, और जो ऑर्डर्स मिलते उससे खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकलता, तो एम्प्लॉइज की सैलरी तक नहीं दे पा रहा था बेचारा। अपने ऑफिस में हैरान परेशान सुनसान सा बैठा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी और मिल गया उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर। एक बड़ी सी कंपनी के पूरे हो गए थे 100 ईयर्स, और वो अपने सभी एम्प्लॉइज को गिफ्ट करना चाहते थे डेनिम जैकेट्स, वो भी एम्ब्रॉयडरी से कंपनी का नाम लिखकर। ये ऑर्डर इतना बड़ा था कि ऑर्डर के खत्म होते ही रोहित की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो जाती खत्म, मगर खुशी से तक दिन नाचने के बजाय रोहित फिर से परेशान बैठा था। इस बार वो परेशान इसलिए था कि पता नहीं इतना बड़ा ऑर्डर वो कंप्लीट करेगा कैसे, वो भी इतने कम टाइम में। बस इसी चिंता में डूबा था बेचारा कि तभी फिर से उसके फोन की घंटी बजी। इस बार फोन उसकी इकलौती छोटी बहन निशा का था। वो बोली, भाई याद है ना आपको, कल राखी है, राखी पे तो घर आओगे ना। बेचारा रोहित सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दे, दिल पर चट्टान रख कर बोला, अरे छोटी फैक्ट्री की हालत तो तू जानती है ना, बड़ी मुश्किल से एक बड़ा ऑर्डर मिला है यार, घर आया तो ऑर्डर पूरा नहीं हो पाएगा, इस साल लगता है मेरी कलाई सूनी ही रह जाएगी। ये सुनकर हमेशा चंचल सी रहने वाली निशा खामोश सी हो गई और बस इतना ही कह पाई, कोई बात नहीं भैया, हैप्पी रक्षाबंधन। उस दिन बड़ा ही उदास हुआ था रोहित। शायद ये पहली बार था जब राखी के दिन वो अपनी बहन से राखी नहीं बंधवा पा रहा था, मगर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था वो। अगले ही दिन राखी थी। घर से ऑफिस के रास्ते में रोहित ने देखा सभी के माथे पर तिलक और हाथों में राखी बंधी हुई थी, मगर अफसोस रोहित की कलाई सूनी थी। ऑफिस पहुंचकर बेहद उदास बैठ गया वो अपने केबिन में कि तभी उसके ऑफिस में एक दस्तक हुई। उसके फैक्ट्री में काम करने वाली राधा दबे पांव उसके पास आई और घबराते हुए बोली, भैया भैया कुछ बात करनी थी आपसे। इससे पहले कि राधा कुछ कहती, रोहित बोला, सॉरी राधा, आई नो काम बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम, तुम लोगों से डिस्कस किए बगैर मैंने इतना बड़ा ऑर्डर ले लिया, आई नो इतने कम टाइम में ये ऑर्डर पूरा करना थोड़ा मुश्किल है, तुम सबने कई दिनों से छुट्टी भी नहीं ली और मैं तुम्हारी सैलरी भी नहीं दे पाया हूँ, मगर जैसे ही ये ऑर्डर कंप्लीट होगा सब ठीक हो जाएगा, प्लीज सपोर्ट करो मुझे। रोहित को बीच में ही टोकते हुए राधा बोली, अरे अरे नहीं भैया, वो बात नहीं करनी है मुझे। रोहित ने पूछा, तो फिर क्या बात है राधा? घबराते हुए राधा बोली, भैया आज राखी है ना, तो क्या आज हम सब आपको राखी बांध सकते हैं? ये सुनकर एक पल के लिए जरा अजीब लगा रोहित को, मगर फिर उसने अपनी सूनी कलाई की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स राधा, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है, तुम सब मेरा परिवार ही तो हो, तुम बिल्कुल मुझे राखी बांध सकती हो।
खुशी के मारे राधा के रोंगटे खड़े हो गए। राधा ने तुरंत अपनी बाकी साथियों को पुकारा, ए सुनीता, कमला, पुष्पा, आजा आजा, राखी बांध के। फैक्ट्री में बैठे बाकी सभी लोग उसके बुलाने का ही इंतजार कर रहे थे। वो सब इतना खुश हुए जैसे कि उनकी कोई लॉटरी लग गई हो। उनमें से कुछ तो खुशी के आंसू रो पड़े। असल में उन्होंने आज तक कभी किसी को भी राखी बांधी ही नहीं थी। घर से ही वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। थाली, राखी, रोली, चावल और मिठाई सब लेकर आए थे। उन्होंने रोहित के माथे पर तिलक लगाया और एक एक करके बारी बारी से अपनी अपनी राखी रोहित की सूनी कलाई पर बांधी और फिर अपने हाथों से बनाए लड्डू खिलाए। जब सभी खुशी के मारे कपकपाते हाथों से बारी बारी रोहित को राखी बांध रही थी, राधा सामने आकर बोली, भैया उस ऑर्डर की आप चिंता बिल्कुल नहीं करना। जब तक ऑर्डर पूरा नहीं हो जाता, आपकी बहनें रात दिन काम करेगी। अगर जरूरत पड़ी घर भी नहीं जाएगी। क्यों बहनो, करेगी ना काम? हाँ हाँ करेंगी। करेगी? और भैया पगार भी ना आप तभी देना जब पैसा आ जाए इस ऑर्डर का, क्योंकि अभी अभी एक दो महीने हमारा गुजारा हो सकता है। इतनी तो सेविंग है हमारे पास। सड़क पे भीख मांगते थे हम, काम देना तो दूर, कोई ठीक से बात नहीं करता था हमसे। आपने हमें काम दिया, हौसला दी, इज्जत दी, जिंदगी के हर मोड़ पे सगे भाई से भी बढ़कर हमारा साथ दिया। आपके जैसा भाई नसीब वालों को ही मिलता भैया। ये सब सुनकर खुशी के आंसू रो पड़ा रोहित। अब रोहित की सूनी कलाई में एक नहीं बल्कि 15 राखियां बंधी हुई थी। अब उसकी सिर्फ एक नहीं बल्कि 15 और बहनें थी जो हर मुसीबत में उसका साथ निभाने को डट कर तैयार खड़ी थी। यही तो खूबसूरती होती है भाई बहन के रिश्ते की। भाई बहन की रक्षा करता तो जरूर है, मगर कुछ भाई अपनी बहनों को इतना सशक्त बना देते हैं कि फिर उन्हें किसी की सुरक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जरूरत के समय वो बहनें अपने भाइयों के लिए ढाल बनकर खड़ी होती हैं। तो रोहित की तरह देश के उन तमाम भाइयों को जो अपनी बहनों के साथ साथ करते हैं समाज की सभी बहनों के स्वाभिमान की सुरक्षा, सल्यूट करता है M&M टॉकीज। M&M टॉकीज के पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी रक्षाबंधन।